भाई अभी अपनी अपनी भी आगे दिखा है, एक ही आगे भाई इधर ट्रेन। सदर बाजार थारी खातर सामान खरीदने अच्छी बिजनेस स्टार्ट करना हो ना तो भाई तो संपर्क भी कर लियो। हाँ भाई सेल्समैन हमारा ही पीछे ये तकड़ा भाई, यहाँ पर हर चीज हर सामान बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत सस्ते रेटों में। आओ भाई भाई भाई, भाई वो भी मिलता है क्या क्या वही। हेलो गाइज नमस्कार, मैं आपका अपना छोटा भाई सुभाष गुटिया वाला भाई। आज हम अपना एक फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे भाई सपोर्ट करना भाई, बताना भाई अगर आपको इस चैनल पर ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट में बताना सारे भाई। हम आज जा रहे हैं दिल्ली सदर बाज़ार घूमने के लिए, तो हमारे भाई हैं आगे दो साथी हैं, उनसे मिलवाता हूँ। चलो आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ सारे भाई। उससे अबे किधर किधर ले जा रहे हो यार? देखो भाई ये रेलवे स्टेशन, स्टेशन तो शायद आ गया है, ये ट्रेन की पटरी है। तीन ट्रेन ना टपा दी भाई। देखो भाई हमारे भाई, पहचान करो भाई कौन है अपने भाई। ये भाई छोरे के चक्कर में तीन ट्रेन ना टपा दी मैंने। और यो पीछे ब्लॉग बनाने लग रहे सारी कर। अब बताओ सर भाई, कमेंट में बताना आपको अगर ब्लॉग पसंद आए तो हम ब्लॉग कंटिन्यू लाएंगे अपने चैनल पर सुभाष सैनी खुड़तिया वाला पर। हमने सोचा कि चैनल पर कोई वीडियो वगैरह नहीं आती, काफ़ी समय लग जाता है इस वजह से, मगर कभी कभी बीच बीच में ब्लॉग डाल दिया करेंगे। तो आज हम दिल्ली घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम? दिल्ली जावा भाई सदर बाजार थारी खातर सामान खरीदने। अच्छी है, बिजनेस स्टार्ट करना हो ना तो भाई तो संपर्क भी कर लियो। हाँ भाई सेल्समैन हमारा ही पीछे, ये तकड़ा सीधे मत रहो यार, कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन दो भाई। ट्रेन कौन सा है क्या, ये कौन सी वाली है भाई? ये स्टेशन है गढ़ी हरसूल। गढ़ी हरसूल ये पड़ता हरियाणा में, हरियाणा गुड़गांव में, जिला गुड़गांव, स्टेशन का नाम गढ़ी हरसूल। तो भाई हम चल रहे हैं नीचे पटरी पे, खड़े होंगे टिकट काट देंगे नहीं। अच्छा मिलवाते हैं आपको स्टेशन पर, ठीक है? आगे बने रहो भाई लास्ट तक ब्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला। आपको दिखाते सदर बाजार क्या क्या सीन रहता है वहाँ का, और हम क्या चीज़ खरीदने वाले हैं सब आप चीज सब। तो गाइज ये गढ़ी हरसरू जंक्शन, हम यहाँ से बैठेंगे दिल्ली के लिए। चलो आगे गड़ी गड़ी यहाँ गड़ी पर घनी याद जुड़ी हुई है। अच्छा क्या क्या यादें जुड़ी हुई है बताओ? याद तो इसी मेरे भाई। क्या जुड़ी हुई है बताओ ना उनके बारे में? बतावा यार, बताने की चीज हो तो बतावा। क्यों कोई भाई ना बाल लूटता बहुत कुछ है मेरा, इस स्टेशन ना बहुत कुछ लूटता है ऐसा है। मैं कौन किसी ने क्या लूट लिया बताओ ना, खुल के बताओ यार। ना ना नहीं ये भाई भी पूछ रहे हैं, कमेंट पूछेंगे ऐसा क्या चीज़ है बताओ, क्या बताओगे टाइम आने पर बताओगे भाई। अच्छा चलो टाइम आ, टाइम आओगे ना फिर बताओगे, जो टाइम को नहीं। ये ट्रेन है सामने सहारनपुर। भाई अभी अपनी अपनी भी आगे दिखा है, एक ही आगे भाई इधर ट्रेन। फाइनली भाई ट्रेन आ चुकी है, ये भाई ट्रेन इसमें बैठी है। कौन सा डिब्बा? ये तो आला हजरत आ गई यार। हिसार यही वाली दिल्ली, हिसार ही तो है। कौन से में बैठोगे? चलिए गाइस हम चढ़ चुके हैं अपनी ट्रेन में, अपने भाई आगे बैठे, मैं दिखाता हूँ आप सब पीछे इधर बैठे हो। गाइस फाइनली पहुंच चुके हम सदर बाजार, तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, देखो अंदर कितनी भीड़ है, काफी भीड़ है, सिस्टम हैंग कर रखा था।
₹100 तो कार्ड इकट्ठे करना जरूर कौन से कार्ड है पर हर चीज हर सामान बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत सस्ते रेटों में। आओ भाई, ओ भाई भाई गोभी मिलता है क्या? क्या वही फाइनली हमने आपको सदर बाजार दिखा दिया है। सदर बाजार में समथिंग हमारे 2 घंटे इन्वेस्ट हो गए हैं। तो भाई अब हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे इंडिया गेट। अब हम यहाँ से इंडिया गेट के लिए निकल रहे हैं, तो आप आगे देखिए ब्लॉग में इंडिया गेट। भाई मैं तो पहली बार जा रहा हूँ इंडिया गेट। दिल्ली में कई बार आ चुका हूँ लेकिन भाई मैं इंडिया गेट पर नहीं पहुँचा हूँ अभी तक। बाकी आप सभी को आप भी देखें इंडिया गेट। तो भाई कहाँ रह गए, पीछे रह गए? भाई हम यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो इंडिया गेट के लिए सदर बाजार से। ये पुल चरोड। भाई कहाँ पे जा रहे हैं ये, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हो आप? पहुंचने वाले हैं 1 मिनट के अंदर। फर्स्ट ब्लॉग बनाया भाई ने, ठीक है। वो फर्स्ट ब्लॉग में ही बापू चढ़ा, यो ब्लॉग में कहूँ ना सारी जिंदगी याद रहूंगा। ईसा ब्लॉग ना कदे जिंदगी में मने लगे कदे बनाने मिले और ना कदे बना सके जैसा यो ब्लॉग है। देख ले भाई सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, रात के 12 बज के 8 मिनट हो गए और हजे भी रूम यहाँ पे करीबन 200 मीटर की दूरी है। कोई दिक्कत नहीं, बने रहो आप ब्लॉग में, सपोर्ट करो। बाकी आपको पर भाई स्वाद आया पूरा, हाँ पूरा मजा आया भाई ब्लॉग के अंदर। रात के 12 बज के 8 मिनट हो रहे, स्वाद आया पूरा। क्यों स्वाद नहीं आया भाई? बढ़िया बढ़िया है, पूरा स्वाद आया।